अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड करे। अब भिवंडी शहर के वेज रेस्टोरेंट में मिलेगा टेस्ट का खजाना। पीएमएससी वेज रेस्टोरेंट आपके लिए लाए है वेज खानों की बेहतरीन किस्में, जैसे इंडियन डिशेज, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन डिशेज और भी बहुत कुछ। साथ ही 100 रुपए में स्पेशल थाली अवेलेबल है। द वॉइस न्यूज के व्यूवर्स के लिए खास डिस्काउंट रखा गया है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए पीएमएससी वेज रेस्टोरेंट एट सीजी पाटिल कंपाउंड, कल्याण रोड नाका, अपोजिट टिप टॉप फरसान मार्ट, भिवंडी। भिवंडी पालिका ई कचरा अभियान। भिवंडी पालिका आयुक्त अजय वैद के मार्गदर्शन में मनपा क्षेत्र अंतर्गत प्रभाग स्तर पर ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया गया, जिससे मनपा कर्मचारी को प्लास्टिक की बोतलें, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जमा करने का आदेश दिया गया। इस अभियान में अब तक 500 किलो ई कचरा जमा किया गया और मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में हिस्सा लेकर अपने घरों में जमा होने वाले ई कचरा को वार्ड समिति संग्रहण केंद्र में जमा करवाएं और शहर को साफ सुथरा बनाएं। अस्पताल की सड़क बनी कार धुलाई का केंद्र। भिवंडी आईजीएम अस्पताल के मुख्य गेट से अस्पताल तक अतिक्रमण कर अवैध पार्किंग और सड़क के किनारे अवैध रूप से ऑटो रिक्शा और कार धुलाई की जा रही है, जिससे अस्पताल सड़क पर कचरा और गंदा पानी जमा रहता है। लेकिन मनपा द्वारा कार्रवाई न होना पालिका के स्वच्छता इस अधिक्रमण विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा रहता है। भिवंडी मुरलीधर कंपाउंड में कराटे का किया गया आयोजन। भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र युवा संघ आधार सामाजिक संस्था स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सहयोग से भिवंडी शहर के मुरलीधर कंपाउंड कल्याण रोड स्थित सभागृह में जिला स्तरीय कराटे का आयोजन किया गया, जहां मुमरा थाने, कल्याण, शाहपुर और भिवंडी से लगभग 107 कराटे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और नेहरू युवा केंद्र का सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया। भिवंडी मनपा रिश्वत कांड मामले में कार्रवाई की मांग। मी भिवंडी का सामाजिक संस्था की ओर से भिवंडी प्रांत कार्यालय के बाहर धरना आंदोलन दिया गया, जिसमें भिवंडी मनपा कार्यालय में पिछले दिनों एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एक जिस पर मी भिवंडी ने आरोप लगाया है कि 3 बार कार्रवाई हो गई है और 4थे पर कब कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में मी भिवंडी प्रांत कार्यालय में मेमोरेंडम देकर कार्रवाई की मांग की है और पत्रकार खान फखरे आलम ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो 26 जनवरी को भिवंडी से मुंबई तक पैदल मार्च किया जाएगा। थाने की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, एक की मौत। महाराष्ट्र के थाने जिला बदलापुर MIDC केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जहां रसायन बनाने वाली कंपनी के कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई और इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंच आग पर काबू पाई। ट्रेन में ठंड से बचने के लिए जलाई आग। उत्तर प्रदेश से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संगम एक्सप्रेस के AC कोच में किसान यूनियन के नेताओं ने सर्दी लगने पर आग जला दी। जानकारी के मुताबिक किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर रेल मंत्री को भेज दिया। रेल मंत्री की तरफ से कार्रवाई का आदेश मिलते ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और GRP और RPF ट्रेन में कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन मौके से सभी फरार हो गए थे। RPF इन सभी की तलाश में जुटी। शराब पीकर नहीं, दूध पीकर चलाए गाड़ी। महाराष्ट्र के कल्याण में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक अनोखा अभियान चलाया, जहां पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों को दूध पिलाया और कहा कि वे कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर वाहन चालकों को दूध वितरण होता देख लोगों ने इस पुलिस अभियान की तारीफ की और कल्याण पुलिस ने वाहन चालकों से शराब से दूर रहने और दूध पीने की अपील की। भिवंडी में पहली बार रिश्तों के सिलसिले में एक शानदार प्रोग्राम। जरिया मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की तरफ से भिवंडी शहर में शादी को लेकर एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जिसमें अच्छे रिश्तों की अलामत सोसाइटी में बढ़ते तलाक के मामले और ज्यादा उम्र तक लड़कियों की शादी नहीं होना जैसे मामले को देखते हुए 21 जनवरी को 11 बजे से 4 बजे तक जरिया मुस्लिम की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो सलाउद्दीन स्कूल ग्राउंड, अब्दुल्ला हॉल, मौलाना आजाद रोड, शांति नगर रोड पे रहेगा। नाव पलटने से हुई 5 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा से बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां हरनी तालाब में नाव पलट गई, जिसमें 23 छात्र और 4 शिक्षक सवार थे। जानकारी के मुताबिक 5 से ज्यादा की मौत हो गई और सभी विद्यार्थी वडोदरा के एक स्कूल के थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू की और गुजरात CM भूपेंद्र पाटिल मौके पर पहुंचकर मृतक को 4 लाख और जख्मियों को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। आज सेंसेक्स 313 अंकों की गिरावट के साथ 71,186 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 21,462 पर हुआ बंद। गोल्ड 61,780 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 71,591 और क्रूड ऑयल 6,146 पे ट्रेड करते हुए।